यात्रीगण कृपया ध्यान, एक शादी करे चार शादी करे। शत्रुघ्न सिन्हा मकान का नाम रामायण रखा है और सोनाक्षी ले गई अकबर। अच्छा बात नहीं है। मकान का नाम रामायण, बच्चों का नाम राम लखन भरत शत्रुघ्न, क्या और बीच में रावण आ गया? रावण नहीं पगला, तुम उसको प्यार से। आप तो बड़े अच्छे से कैरी नहीं निभाई, सारे मुसलमान, अरे हम खुद कह रहे हैं सारे मुसलमान एक जैसे नहीं तो नहीं होते। भाई साहब, सारा मुसलमान एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि ये बदबू पांडे का जो अब्दुल है ना, बता दो अब्दुल के बारे में। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अच्छा। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के जो वीडियो है ना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आप लोग बन रहे हैं वीडियो में और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है? क्योंकि आज लेने वाले हैं हम बदबू पांडे के, क्योंकि मगर क्यों बदबू पांडे के जो समुंदानी है ना, बदबू पांडे के समुंदानी में आग लगी पड़ी हुई है, ठीक है? तो वही आग हम बुझाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है? और दबा के मजा लें, ठीक है? फॉलो करती है हमारे देश की हजारों लाखों। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब है दादाजी कि सोनाक्षी सिन्हा जो है ना, मुसलमान लड़का से शादी कर, जिसका नाम है जहीर इकबाल, और ये बदबू पांडे, और बदबू पांडे के जितना छमछा बेलचा लोग हैं ना, ठीक है, वो लोग कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं और भगवती कर रहे हैं, ठीक है? सानिया मिर्जा शादी की थी, क्या हंस हुआ देखे ना। तो सबका आग बुझाने के लिए हम आ गए हैं, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और देखिए सबका आग बारी बारी किस तरह से हम बुझाते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। भाई हम बताओगे ना का मिर्जा जोन सिन्हा करी ना, माँ बाप तो ऊपर पड़ गई है, ट्रेंडिंग में चल रहा है शादी करने का। भाई साहब, इसका नाम है चोली शर्मा। चोली शर्मा। तो भाई साहब, इसका नाम हम रख देते हैं चोली शर्मा। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे। तो ये है खुशबू पांडे का बहिन भाई साहब, ठीक है? तो आज इसको भी लेंगे और खुशबू पांडे को भी लेंगे, ठीक है? क्योंकि इन दोनों का समुदानी में जो है ना, आग लगी पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ तो चोली वाला, एक बार जरा बोलो क्या बोलना चाहती हो? क्यों नहीं है लव जी, आज फला लग रही है जोन सी, आजकल की नई पिड्डी में लोंडी आन लग रही है, देख देख के ब्याह करेंगे अपने बापू को, क्या? तो भाई साहब, चोली वाली जो है ना, ये मालूम है क्यों जल रही है? सोनाक्षी सिन्हा जो है ना, जहीर इकबाल से शादी कर ली, ठीक है? अच्छा तो तुम क्या करोगी? मैं भी निकाह करूंगी। अच्छा तो तुम भी निकाह करोगी? मैं भी निकाह करूंगी। अच्छा बता बता किससे शादी करोगी? अपने अब्दुल से शादी करूंगी मैं भी। अच्छा तुम भी अब्दुल से मतलब शादी करोगी? अच्छा चोली पांडे, आखिर तुम अब्दुल से शादी क्यों करना चाहती हो, बताओ जरा। सोनाक्षी सिन्हा ने करी, सोनाक्षी सिन्हा को इतनी दुनिया पसंद करती। बॉलीवुड में जा रही है, अपने आप को घनी बड़ी स्टार बना रही, मैं घनी बड़ी स्टार हूँ भाई। इतना कर्म देख लो, कितने गंदे रामायण के नाम धर रहे, लव कुछ ये तो जोर जोर ना रामायण भी बदनाम कर दी इन्होंने तो, बताओ। भाई साहब, इनको इतना तकलीफ क्यों है आपको पता है? हमको नहीं पता। नहीं पता है तो भाई साहब हम बता रहे हैं। अब चोली पांडे जो है ना, अब मुसलमान भाई को यही कहना चाहती है। की तरह जरूरी थोड़ी है कि सबका अब्दुल एक ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है सभी सांप जहरीले नहीं होते, तो जब आपके घर में सांप आता है तो कटवा के देखती। देखिए भाई साहब, ये आग जो है ना बहुत गहरा लगा हुआ है और ये आग बुझने वाला नहीं है। मालूम है कैसे आग बुझेगा? मिर्ची डाल के ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, सोनाक्षी सिन्हा के शादी से ना खाली बदबू पांडे का तकलीफ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि पेटला को भी है। वही पेटला दीपक, देखिए उसको इसलिए तकलीफ है कि सारे मुसलमान भाई को यही बोलने वाला है। तो भाई साहब चलिए ना, चल को पेटला को लिया जाए। पेटला जो है ना, सबका साला बन गया है, आपका भी साला बन गया है। हाँ पेटला बोल, क्या बोला है? शत्रुघ्न सिन्हा आए। खामोश। अबे साले, मकान का नाम रामायण रखा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मकान का नाम रामायण रखा है और सोनाक्षी ले गई अकबर। अकबर ले गए तुम्हारा? जहीर इकबाल। जहीर इकबाल। अशरफ अली, वो तो गदर में था। देखिए भाई साहब, क्या है ना, इसको बवासीर का बीमारी है। बवासीर एक आम समस्या है। तब से इसको पता चला था कि सोनाक्षी सिन्हा का शादी जो है जहीर इकबाल से लगा हुआ है, तब से इसका मुंह से जो है ना कुछ भी निकल जाता है।
तो ये पगला गया है। जहीर इकबाल हो, जहीर इकबाल हो, मकान का नाम रामायण, बच्चों का नाम राम लखन भरत शत्रुघ्न, क्या और बीच में रावण आ गया। बेटा वही रावण को तुम लोग बोलोगे। ये हमें कोई मतलब नहीं उसकी शादी से, मैंने विरोध करा। क्या बोला पेटला, तुमको कोई तकलीफ नहीं है? मैं कोई मतलब नहीं उसकी। क्या बोला, नहीं सुनाई दिया? जब तुमको मतलब नहीं है तो इतना दिल से काहे ला बकचोदी कर रहा था? क्या सोनाक्षी सिन्हा का जो हस्बैंड है फलाना है ढिमकाना है ये है वो है, बकचोदी नहीं करना चाहिए ना? साफ साफ बोल देना चाहिए ना तुमको, तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर मुझे दिक्कत सूटकेस की है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भाई साहब, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के शादी से सिर्फ खुशबू पांडे और पेटला को तकलीफ नहीं हुआ है, ये आंटी को भी तकलीफ हुआ है। जरा आंटी का भी बात सुनी लेते हैं। कह रहे हैं सभी लड़कियों से, मुस्लिम लड़कों में कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो हिंदू लड़कों में नहीं लगे? कोई सेंस है इस बात की? है? मुस्लिम लड़के जो है क्या हिंदू लड़कों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? है? क्या हिंदू लड़कों से ज्यादा अच्छे घर और परिवार के हैं, संपन्न परिवार के हैं? बता दो हमें। आंटी, आपका पैर जो है ना एक कब्र में है एक कब्र से बाहर है, इसलिए लग रहा है ना कि आपका ये जो मेमोरी है ना, मेमोरी करप हो गया है। आपको आंटी इतना तो मालूम है ना कि हालात एक दिन सही होता है एक दिन खराब होता है, तो इसमें प्यार मोहब्बत को काहे ला बीच में ला रही है? यहाँ से तेरी बहन बेटी ऐसे भागे कि दूसरों के संग में, तब तुझे पता चलेगा। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तुम लोग तो जो है कोई पंचर जोड़ने वाला है, कोई साइकिल करने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, तुम तो उसके संग भी गिरने पड़ने और मरने को खड़ी हो, इतनी तुम लोगों के अंदर जो है अग्नि। आंटी, प्यार मोहब्बत में जो है ना इसमें पंचर नहीं देखा जाता है। बात तो सही है। आंटी, ये भी हो सकता है कि जब आप कबर में जाइएगा ना तो वही पंचर वाला आपको कबर में ले जाकर डाल दे। अरे ये तो धोती खोल रहा। अरे भाई साहब, ये आंटी का हटाओ ठीक है, क्योंकि ऐसे ही ये आंटी कबर में जाने वाली है। पेटला तुम बोलो। साल का हो गया छेनू है? सोनाक्षी की गलती है भैया, हमें कहा लेना? अरे तुमको तो पेटला लंबा वाला लेना है। अरे चौक का हिला रहे हैं भाई साहब, अरे साला सा मजाक करने का अधिकार ना है, इसलिए मजाक कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमें कहा लेना, मगर बाद में मत कहना कि सूटकेस कहाँ गया। क्या वो कह रही? मेरा जहीर ऐसा नहीं है। क्या मेरा जहीर? तो भैया फिर सुनो, उसका अब्दुल ऐसा नहीं है। अच्छा पेटला, हम लोग तुम्हारा जीजा जी बन गए हैं, इससे तुमको क्या फील हो रहा है जरा बता दे। फिर आप लोग खबर चलाओगे, मुद्दा चल रहा संविधान का, आप आगे सोनाक्षी सिन्हा पे मजे ले रहे हो, मैं इतना जानता हूँ भाई साहब। हम जब तब भाई साहब, अब ये पेटला को जाने देते हैं, अब लेते हैं खोपचा में, मालूम है किसको? खुशबू पांडे की बहन जो है चुस्बू पांडे, देखते हैं ये क्या कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है कि जिस इंसान का नाम शत्रुघ्न हो, श्री राम के भाई का नाम था, जिसके घर का नाम रामायण हो, जिसके बेटों का नाम लवकुश हो, जिसकी पत्नी का नाम पूनम हो, उस व्यक्ति की बेटी एक गैर धर्म के लड़के से शादी कर रही है, ये बहुत शर्म की बात। वाह, बहुत शर्म की बात है भाई साहब, ये बहुत शर्म की बात। भाई साहब, ये लोग जो है एक चम्मच खा लेता है, ये देखिए एक चम्मच गोबर, इसमें इन लोगों को शर्म नहीं लगता है। सोनाक्षी सिन्हा कर लिए एक मुस्लिम लड़का से शादी, तो इसमें शर्म लगता है, ये बहुत शर्म की बात। अनुभक्त, तुम्हारा पिछवाड़ा किधर है? इधर घुमाओ जरा, अंदर डाल देते हैं। भाई साहब, जाते जाते एक बात बोलना चाहते हैं इन अनुभक्तों से, और सालो कैसे हो? अब भाई साहब, आप लोग से हम एक बात बोलना चाहते हैं कि आप लोगों को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का जोड़ी कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना राय बताएं, ठीक है? और अगर आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा तो लाल बटन को सब्सक्राइब करके उसको हल्का कर दीजिए, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अनभक्तों के साथ में, ठीक है? ओके, लव यू एंड बाय बाय।